press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी पिक से उसका वाटरमार्क या फिर कोई भी अनवांटेड पार्ट है जिसे आप पिक से रिमूव करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिक से लोगो या वाटरमार्क रिमूव करने के लिए हम लोग रीटच ऐप का यूज करेंगे। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक कोई भी पिक सेलेक्ट कर लेना है और उस पिक को आपको रीटच ऐप में ऐड कर लेना। उसके बाद आपको जिस भी पार्ट को या लोगो को रिमूव करना है उसे आप जूम कर लेंगे। जूम के बाद आपको नीचे में बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। सबसे पहले आपको ब्रश को सेलेक्ट कर लेना है और जिस भी एरिया को आपको रिमूव करना है, जो भी लोगो है या कोई भी वाटरमार्क है, उसे आपको सिंपली उस ब्रश की मदद से उसको पूरा मार्क कर लेना है। यानी जिस जहां तक वो लोगो है आपको पूरा उसको ग्रीन के टाइप से कवर कर लेना और गो का ऑप्शन आपको कॉर्नर में मिल जाएगा। उस पर जाके आपको उसे गो कर देना, मतलब फिर वो रिमूव। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो भी लोगो था या फिर जो भी पिक्स पे वाटरमार्क थे वो बिल्कुल रिमूव हो चुके हैं। तो आप अगर इस ऐप को यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम आपको पिक्स से रिमूव करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक और वाटरमार्क लगा हुआ है, वो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और आधा इस पार्ट में है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो सेम मेथड हम लोग को फॉलो करना है। सारे को मार्क कर लेना और गो से रिमूव कर देना। फिर अनदर साइड में भी हमें वही करना है, ग्रीन से इसे मार्क कर लेंगे और फिर मार्क होने के बाद उसको गो का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके उसे रिमूव कर देंगे। आप फिर से चेक कर सकते हैं, फिर से हमारा वाटरमार्क रिमूव हो गया। उसके बाद आपको कॉर्नर में एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, उस करके गैलरी में ऐड कर सकते हैं। इसे आप सिंपली अपने गैलरी में ऐड कर सकते हैं और या फिर आप इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि JPG, PNG या फिर स्मॉल फाइल, ओरिजिनल फाइल, मीडियम, लार्ज फाइल। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हैं, पर मैं एडवाइज़ करूँगा आप इसे डिफ़ॉल्ट ही छोड़ दें, कोई भी चेंजेस नहीं करना है, आप इसे एज इट इज़ छोड़ दें। और फिर गैलरी पे क्लिक करते ही आपका ये इमेज गैलरी में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो पिक्स एडिट किए थे वो मेरे गैलरी में ऐड हो चुका है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, ये ऑटोमेटिक आपके मेन इमेज से वाटरमार्क रिमूव हो चुका है, जैसे कि ये मेरा था और ये रिमूव हो गया और ये रहा ओरिजिनल फाइल जिस पर अभी वाटरमार्क है और हमने जो एडिट किया था वो बिल्कुल वाटरमार्क रिमूव हो गया। अब आप इसे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं।